जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाय मालीज, हाय हाउ आर लबेल, यू आपसे इंडियन फर्स्ट जी? मैं तो ठीक हूँ। लबेल, आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है मेरी। हाय जी हेलो। हाय जी, आप दोनों ने वो कुछ 10-15 दिन पहले कुछ हुआ था इंडिया में, सीख ब्लास्फेमी, वो केस सुना? जी और इतना टेरिफाइंग, मेरे को ज्यादा डिस्टर्बिंग, चलो इवेंट हुआ वो तो डिस्टर्बिंग था, द फैक्ट दैट बहुत ज्यादा लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, वो चीज ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है मुझे। एंड मैं तो रहता भी यहाँ पे इंडियन पंजाब में, और यहाँ पे तो सिख मेजोरिटी है, तो मैं तो पब्लिकली अपने सोशल मीडिया पे बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसको कंडेम करने के बारे में भी मैं नहीं कर पाया पोस्ट, बिकॉज इतना ज्यादा मतलब वो कर रहे हैं ना, खुद को डर लगता है। तो तो सिखिज्म में आप इवन मुझे बताइए, आपके रिलीजन में ब्लास्फेमी है? जी, मैं वैसे तो हिंदू फैमिली से हूँ, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, उस ब्लास्फेमी एज पर दी बुक्स कुछ नहीं है, बट उनकी हरकतें तो एक एवरेज पाकिस्तानी से भी ज्यादा गई गुजरी हैं, आई वुड से, व्हेन इट कम्स टू ब्लास्फेमी। बाकी चीजों में दे आर ओके, छोटे कपड़े पहनना, अच्छा, होमोसेक्सुअलिटी, हिंदुइज्म यू में नो। ब्लास्फेमी है क्या? आप किसी की भी, जैसे वो क्या उसका नाम, अरमिन नवाबी ने सेक्सी गाली बना दी थी तो उसपे केस लग गए थे, तो आपके वो मजहब में इंडियन ये? लॉ में सेक्शन 29, इंडियन लॉ के अंदर हो सकता है सेक्शन 295 के अंदर, बट एज सच हिंदुइज्म में आई डोंट थिंक सो ब्लास्फेमी का कोई हाँ, कंसेप्ट इंडिया है। के लॉ में ब्लास्फेमी लॉ है, ये मैंने भी देखा था। तो मगर ये जो भी जो सिख लोगों ने किया है, क्या ये पहला केस है या ऐसे पहले भी हो चुके हैं? जी हो तो ऐसे बहुत हुए, जैसे बहुत ही छोटा सा ये इंसिडेंट लास्ट एक साल पहले हुआ था, कि किसी बंदे ने बहुत प्राउडली फेसबुक पे शेयर किया था, कहते हैं कि एक बंदा गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेइज्जती भी कर रहा था, और हमारे भाइयों ने मिलकर उसे मार दिया, और इस चीज को बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव वे में बोल रहे थे, किसी को मर्डर कर दिया ओवर एन एलेजेड डिसरिस्पेक्ट ऑफ देयर होली बुक। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप, ये कट्टरपन जो है ये क्यों बढ़ रहा है? आप मुझे बताइए क्या हो रहा है? जी, वो उसका जवाब पाने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ, कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं क्या कहूंगी इस बारे में? मैं तो यही समझती हूँ कि रिलीजन को लेकर अब ज्यादा से ज्यादा हर कोई जो है, वो हर कोई जो है, जो भी आप उठा लो किसी भी रिलीजन का, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। हर किसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी रिलीजन खतरे में आ गई है। पहले खतरे में नहीं थी, बस अब खतरे में आ गई है। पता नहीं क्यों हर किसी को यही फील हो रहा है। हर कोई अपनी रिलीजन को लेके बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। डोंट यू अग्री? कट्टरपना ज्यादा होता जा रहा है। द थिंग, बट ये हो रहा है कि सिखिज्म, सिख एक्सट्रीमिज्म को ना इतनी अटेंशन नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। लाइक आप लोग इस्लाम के बारे में बात करते हो, वो हमें अच्छा लगता है, करते हो, एंड रिसेंटली तो 2-3 महीनों से आपने हिंदू एक्सट्रीमिज्म की भी बात करनी शुरू कर दी है, बट सिखों को वो नहीं मिलती, एंड आई फील दैट कुछ एक्स सिख्स या कुछ ऐसे लोगों को आगे आना जरूरी है। सो मेरे ख्याल से इस वजह से नहीं मिलती है, इवन इंडियंस को इस वजह से नहीं मिलती है। ये लोगों को पास इस वजह से मिल रहा था आज तक, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे जाकर जो है 9/11 नहीं कर रहे हैं, या जैसे इंडिया में अटैक हुए थे जो ताज पे, और ये तरह की, इस तरह के टेररिस्ट जिसे कहते हैं ना आप, लास्ट टाइम जो एक हुआ था वो खालिस्तानियों ने जो करवाया था, वो एयर इंडिया पे हुआ था, या कनाडा में, कनाडा से जा रही थी फ्लाइट, तो लास्ट टाइम जो अटैक हुआ था वो हुआ था। तो क्योंकि एज राइट नाउ इमीडिएट लोगों को नहीं लगता कि हमको इन चीजों से डेंजर है। एक सेकेंड, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ रानी जी। तो इमीडिएट डेंजर नहीं लग रहा, इमीडिएट डेंजर इन लोगों को, सबको इस्लाम से लग रहा है, क्योंकि इस्लाम सेज कि दे वांट टू टेक ओवर। हालांकि आप अगर सिख और खालिस्तानियों को देखो, खालिस्तानी ऑन ग्राउंड तो कोई मूवमेंट नहीं है इंडिया में, मैंने यही सुना है, मगर यहाँ आप देखो तो खालिस्तान को इतना सपोर्ट करते हैं, या तो खुद, मेरे ख्याल से खालिस्तान इंडिया छोड़ो, यहाँ वैंकूवर में बन जाना है। सो आई ऑलवेज स्पीक अप अबाउट इट, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर बंदा है वो क्या नाम है, जगमीत सिंह जो बैठा है, मैंने तो उस पर बहुत वीडियोज बनाए थे, एंड ऑब्वियसली सिख्स डोंट लाइक इट, वो पसंद तो नहीं करते ना, तो बस हर कोई वो चीज नहीं पसंद करेगा जो आप बात कर रहे हो, मगर देयर इज अ थिंग कि ये लोग भी यहाँ करवाना चाह रहे हैं अपनी चीजें, जैसे कि मुसलमान करवाते हैं। मुसलमानों ने प्रेयर्स करवाई, हमें प्रेयर्स करवानी है, अजानें दिलवानी है, उन्होंने करवाई। सिखों ने क्या करवाया, यहाँ पे वो टर्बन पहनते हैं मोटरसाइकिल पे, उनको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, लॉ नहीं है उनके लिए, उनके लिए सेपरेट लॉ बना दिया है। देखो ना, सिक्योरिटी रिस्क आप ले रहे हो इस वजह से, क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं हमको जो है टर्बन नहीं पहननी है, वी आर गोइंग टू सॉरी हमको वो नहीं पहनना, व्हाट डू यू कॉल, वी एक तो डोंट मैम वांट टू आपके वेयर दैट। कनाडा में मैं बहुत सरप्राइज हूँ, ट्रूडो तीसरी बार जीत गया, जी मैं भी सरप्राइज वो हूँ।
मैं भी सरप्राइज, यार मैं पेस्ट क्यों नहीं कर सक रही हूँ यहाँ पर, आई एम ट्राइंग टू पेस्ट द लिंक, मुझे पेस्ट ही नहीं करने दे रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाई, बट ट्रूडो इस दफा भी जीता मगर मेजोरिटी में नहीं जीता है. बस क्या कहा जाए, यहाँ पे लोग ऐसे हैं, आई डोंट नो, आई डोंट रियली बिलीव, मेरा यहाँ की पॉलिटिशियंस, यहाँ की गवर्नमेंट पे से वो ट्रस्ट उठ गया है. आई डोंट ट्रस्ट देम 100%, क्योंकि ये सोचना कि वो 100% हमारे फायदे के लिए सोच रहे हैं, हमारी अच्छी के लिए सोच रहे हैं, ये गलत है. नो, दे आर लुकिंग आफ्टर देमसेल्फ्स फर्स्ट. और आपको क्या लगता है, सारे ईमानदार लोग बैठे हैं यहाँ, कोई करप्शन नहीं होती यहाँ पर, कोई यानी चीटिंग नहीं हो रही होगी, यू डोंट नो, but I don't believe in them 100%. चलें जी रैंडम गाइस, जी बाकी मान लीजिए if I'm not wrong आप ग्रेटर टोरंटो में रहती हैं, राइट? If I'm not wrong, एक मिनट भाई, मैं नहीं बताती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ. रैंडम इंडियन जी, मिस्टर रैंडम गाइस, एक सेकंड, इनको खत्म कर लेने, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ आपकी तरफ में. मोरानी जी, जी ओके मैम, बट जैसे कनाडा में भी आप जहाँ भी रहते हो, कनाडा इज फुल ऑफ मतलब जिहादी भी भरे पड़े हैं, खालिस्तानी भी भरे पड़े हैं, एंटोनीज भी होंगे इफ नॉट रॉन्ग. तो आपको कभी इन लोगों से थ्रेट्स या कनाडा में रहते हुए उनसे फील हुए कि बिकॉज़ यहां पे भी बहुत लोग हैं ऐसी माइंडसेट वाले? मैं ऐसे एरियाज में नहीं रहती हूँ, पहली बात तो ये. पहले मैं सबके साथ हैंग आउट करती थी, नहीं मुझे कभी इंडियन से कोई ऐसी थ्रेट नहीं हुई है. मुझे कभी ऐसी किसी सीख ने भी कोई मुझे ऐसी थ्रेट तो नहीं की है, मगर उस जमाने में मैं नहीं, मगर उस जमाने में मैं इन लोगों के ऊपर बोलती भी नहीं थी ना. द ओनली थ्रेट जो मुझे सिखों से मिली थी वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जो था मेरा, उसने दी थी. तो दैट्स इट, उसके अलावा वो भी किसी और वजह से, ऐसे नहीं कि मैं इनके ऊपर बात करती हूँ, वो भी खालिस्तानी फैमिली से था. मगर नहीं, आई डोंट थिंक कि मैं थ्रेटन फील करती हूँ यहाँ पर. यार देखो, तारिक फतेह रहता है, वो डाउन टाउन रहते हैं, वो उन कैब्स में भी घुसता है जिसमें ज्यादातर मुसलमान होते हैं, और उसके 2-3 दफा लड़ाइयाँ भी हुई हैं इस तरीके से. हाँ, उसने भी अपने घर को बड़ा सिक्योर किया है, क्योंकि आपको पता है ना, अभी थोड़े अरसे पहले एक इंडिया से न्यूज चली थी कि वो एक हिट लिस्ट निकली है जिसपे चंद लोग हैं एंड ऑल दिस स्टफ. वो भी मेरे ख्याल से एक प्रोपोगेंडा था डराने के लिए. तो इन्होंने, तारिक फतेह ने, आरिफ अजाकिया जो है, इन सब लोगों ने अपने घरों को उन्होंने तो घर चेंज कर लिया था, और इन्होंने अपने जो है घर पे, तारिक के घर पे जा चुकी हूँ, एंड ही हैज लाइक नाउ सिक्योरिटी एंड स्टफ, सो डू आई. मैंने भी अपने घर को सिक्योर रखा हुआ है, ऑब्वियसली आई हैव कैमरास एंड एवरीथिंग, मगर मैं इन लोगों से बहुत ही दूर रहती हूँ, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर वहां जाती भी हूँ ना, तो घूरियां यूं डाल रहे होते हैं, मैं सिगरेट पी लूं या छोटे कपड़े पहन लूं तो घूरियां पड़ रही होती हैं. बट आई ऑल्सो हैव लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स दैट आर सिख एंड इंडियंस, तो ऐसी बात नहीं. पाकिस्तान भी मेरे साथ बहुत दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है. चले, थैंक यू रैंडम जी, आगे निकलती हूँ मैं.